मेरा दोस्त कहता था, सरहद पर गोली खाकर अगर टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी मां के पास। बहुत शौक है उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, ढोल बजे। तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे ले जाना, ढोल बजाना और पूरे गांव में घुमाना। और मेरी मां से कहना, तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू साथ नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बेटा तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, पूछना उससे कि मेरा वादा निभाएगा, शरदों से कहकर आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना कि मुझे उसका तोहफा याद है, लेकिन एक अजीब इत्तफाक हो गया, राखी से पहले भाई राख हो गया। उस कुएं वाले घर के पास जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है जिससे मैंने जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत मां का साथ देते देते उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी ख्वाहिश, मेरे मरने का मातम मत करना। मैंने खुद ये शहादत है चाही, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। मैं और मेरे